हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली वो वीडियो आ चुका है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, जो कि है पैनल के ऊपर वीडियो। आप लोगों ने आजकल बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा पैनल वर्ड, और आप लोग सोचते होंगे कि ये पैनल है क्या, मतलब हैक आता है या फिर क्या आता है। बीच में FF4HX चल रहा था, उसके बाद अभी पैनल चल रहा है ट्रेंडिंग में, तो मतलब ये क्या डिफरेंस है? FF4HX डिफरेंट है, पैनल डिफरेंट है, उससे क्या होता है क्या नहीं होता है, वही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यही वीडियो में। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ कि पैनल कहाँ मिलता है, कैसे यूज करते हैं, वो सब मैं आपको नहीं बताने वाला। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आजकल क्या चलता है ट्रेंडिंग में, ठीक है? तो आपको इन्फॉर्मेशन रहे कि हाँ ऐसा कुछ भी आता है जो फ्री फायर में चलता है। तो आपको मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि पैनल 100% हैक है, ठीक है? मतलब वो चीट इंजन जैसा भी नहीं है कि उसमें स्क्रिप्ट यूज कर सकते या फिर मैक्रो यूज करते, ये सरासर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे हैक है, ठीक है? इससे आप लोग एम बॉट लगा सकते हो, ऑटो हेडशॉट, MFOV थ्रू द वॉल भी मार सकते हो, मतलब आप जो बोलो वो कर सकते हो। अब आपने ये भी सुना होगा कि पैनल से आपकी आईडी बैन नहीं होती है, तो क्यों नहीं होती, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, एकदम एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आईडी बैन क्यों नहीं होती पैनल यूज करने के बावजूद। और मैं मेरे पीसी में पैनल यूज करके नहीं बताने वाला, मैं किसी और के वीडियो में बताने वाला हूँ, उसका रीजन भी बताऊंगा कि मैं मेरे पीसी में इंस्टॉल क्यों नहीं कर रहा। एक नया और बहुत ही आसान तरीका है पैसा कमाने का। ये देखो मेरे अकाउंट के अंदर मैंने 2 हफ्ते में कितने पैसे कमा लिए, और ये सब हो पाया क्रैश गेम की वजह से, सो बिग थैंक्स टू हिम। देखो मैंने यहाँ पे 5000 की बैट लगाई थी इन रॉकेट फ्लो, इसको सही टाइम पे रोकना बहुत जरूरी होता है, जो कि काफी डिफिकल्ट है, बट काफी इजी तरीका है पैसे कमाने का। मैं दिन भर में सिर्फ 1 घंटा ये गेम को खेलता हूँ, और आप लोग देख सकते हो मेरे पेटीएम में काफी इजिली ये विड्रॉ भी हो जाते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे बोनस आप लोगों के लिए, जैसे आप लोग बिटकॉइन भी यहाँ पे कमा सकते हो, और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आप लोग को फ्री में पैसे भी मिलेंगे। तो फिर वेट क्या कर रहे हो, जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में भी लिंक है, वहां से जाकर डाउनलोड करो और पैसे कमाओ। तो आपको पैनल इंस्टॉल करने के लिए जो विंडोज सिक्योरिटी होता है उसको ऑफ करना पड़ता है। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पैनल इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी में जाके फर्स्ट वन है उसको यहाँ पे तीन जो ऑप्शन इसके अंदर दिख रहे हैं उसको ऑफ करना पड़ेगा, फिर ही पैनल इंस्टॉल होगा। तो ये 3 चीज जब आप लोग ऑफ कर देते हो, उसके बाद आपका पीसी एकदम वल्नरेबल हो जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पीसी का कोई भी फाइल देख सकता है, उसको चुरा सकता है, उसको कहीं और अपलोड भी कर सकता है, ठीक है? तो आपका जो पर्सनल डेटा है उसकी जो सिक्योरिटी एकदम जीरो हो जाएगी। तो ये चीज मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पर्सनल डेटा है मेरे पीसी में, ठीक है? तो मैं उसको रिस्क पे नहीं डालना चाहता, और मैं मेरे पीसी में पैनल इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा। मैं आपको दूसरे बंदे की वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसने पैनल यूज करके दिखाया है, ठीक है? तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको पूरा वीडियो देखना है तो, क्योंकि उसको भी सपोर्ट करना, वो अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट आपको मैं हाईलाइट दिखा देता हूं कि पैनल कैसे यूज होता है और क्यों एंटी बैन है वो। तो यहाँ पे जो एम बॉट फ्री लिखा है वही है पैनल, ठीक है? यहाँ पे exe फाइल होती है पैनल की, तो उसको रन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन का डायलॉग बॉक्स आता है, ठीक है? जैसे आप लोग इंस्टा फेसबुक पे लॉगिन करते हो वैसे आपको पैनल के अंदर लॉगिन करना पड़ता है, और ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो इसके पास इसका लॉगिन का आईडी पासवर्ड है, वो यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालेगा, उसके बाद ही लॉगिन होगा। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एम बॉट का ऑप्शन आ गया है, देख सकते हो, और ये तो सिंपल पैनल है। जो बड़े बड़े पैनल आते हैं उसमें बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं, जैसे MFOV होता है, ऑटो हेडशॉट होता है, ऑटो ड्रैग का भी होता है, थ्रू द वॉल वाला भी होता है, ठीक है? तो जितना अच्छा पैनल उतने ज्यादा आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, इसमें एक ही ऑप्शन है जो है एम बॉट। और अभी आपको सबसे मेन बात बताऊं कि पैनल डिटेक्ट क्यों नहीं होता है। कुछ लोग बोलेंगे वो बैकग्राउंड में रन करता है इसलिए डिटेक्ट नहीं होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। चीट इंजन भी बैकग्राउंड में रन करता है, FF4HX भी बैकग्राउंड में रन करता है, फिर भी वो डिटेक्ट हो जाता है। ये क्यों नहीं डिटेक्ट होता है, आप लोग देख सकते हो कि वो पैनल जो चल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट एज की अंडर चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग टास्क मैनेजमेंट देखोगे तो इसका एज जो है वही पैनल है। किसी किसी में क्रोम में रन करता है, किसी किसी में विंडोज एक्सप्लोरर जो फाइल होती है उसमें रन करता है, बट पैनल का यहाँ पे आप लोग देखेगा नहीं कि पैनल रन कर रहा है, ठीक है? वो किसी और सॉफ्टवेयर में मतलब मास्क करके रन करता है, और यही रीजन है पैनल डिटेक्ट भी नहीं हो सकता। और अगर आप स्क्रीन शेयर कराओगे किसी बंदे का जो पैनल यूज कर रहा है और अच्छा खासा पैनल यूज कर रहा है, तो वो दिखेगा ही नहीं आपको, ना टास्क मैनेजर दिखेगा ना ही कहीं पे दिखेगा। ऐसा लगेगा क्रोम चल रहे और बहुत सारे क्रोम चल रहे, उसमें जो एक नकली क्रोम होगा वही पैनल होगा, बट आप लोग फाइंड नहीं कर सकते कि नकली वाला क्रोम कौन सा है और रियल वाला क्रोम कौन सा है। तो यही सबसे यूनिक बात है पैनल की, एज कम्पेयर टू जो नए दूसरे हैक आते हैं, ठीक है? FF4HX हो गया, फिर जो सस्ते हैक आते हैं उसमें डिटेक्ट हो जाता है, आईडी बैन हो जाता है, इसी वजह से होता है, क्योंकि वो पीछे रन करता है तो आपको पता चल जाता है। अगर स्क्रीन शेयर करवाओगे तो वो बंदे का पता चल जाएगा। और एक रीजन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि पैनल में ऐसा क्या डिफरेंट है जो दूसरे हैक में नहीं है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको पैनल में आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना होता है, जैसे आप लोग इंस्टा फेसबुक पे करते हो, और वो इसीलिए होता है कि पैनल जो होता है वो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल या फिर मेंबरशिप मॉडल पे रन करता है। जब आप पैनल खरीदते हो तो आपको उसके साथ साथ आपका सब्सक्रिप्शन भी खरीदना होता है, वो 1 महीना 2 महीना कुछ भी आप लोग ले सकते हो, और जब वो खत्म हो जाता है उसके बाद पैनल वर्क करना बंद हो जाता है। और ये मेंबरशिप वाला या सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल पैनल वाला ने क्यों रखा है, उसका भी रीजन आपको मैं बताता हूँ। पैनल जिस भी क्रिएटर का
होता है, उनका एक सर्वर होता है, डेटाबेस होता है, जिसमें ये सब इन्फॉर्मेशन होती है, किसने मेंबरशिप ले रखी है, कितने महीनों की, वो सब में ये भी इन्फॉर्मेशन होती है कि गेम का डेटाबेस कब अपडेट हुआ, गेम का पैच कब आया। आपने देखा होगा गरेना बीच बीच में डालते रहता है कि हमने इतने हैकर्स को बैन कर दिया, इतनी आईडी बैन कर दी है, तो वो कैसे करते हैं, हर ओबी अपडेट में नहीं करते, बीच बीच में भी उनका अपडेट आते रहता है। आपने देखा होगा 5 MB 10 MB का अपडेट आते रहता है गेम के अंदर, उसमें भी वो लोग फाइल कुछ ऐड करते, कुछ पैच ऐड करते जो उन्होंने हैक डिटेक्ट किए उतने टाइम में, वो ऐड कर देते, तो दूसरे दिन जब वो लोग वो हैक यूज करते तो उनकी आईडी बैन हो जाती है। बट यही सेम चीज पैनल के सर्वर वाले जो होते हैं वो भी वही करते हैं कि जैसे उनको पता चलता है कि गेम का सर्वर डेटाबेस अपडेट हुआ है और जो पैचेस नए डाले हैं तो उनका काउंटर पैच वो लोग डाल देते हैं जिससे हैक वापस से डिटेक्ट ना हो और वापस से आपकी आईडी बैन ना हो। तो ये कॉम्पिटिशन जैसा हो गया कि जैसे ही गरेना फाइंड करती है हैक को और उसका पैच डालती है, दूसरे दिन पैनल वाले जो होते हैं वो अपने सॉफ्टवेयर में उसका पैच डाल देते हैं जिससे उनकी आईडी वापस से बैन ना हो और वापस से उनकी हैक डिटेक्ट ना हो पाए। और इसीलिए जो पैनल होता है वो ऑनलाइन डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होता है, अपने मेंबरशिप के साथ कनेक्टेड होता है कि आप आईडी पासवर्ड डालोगे उसके बाद ही पैनल वर्क करेगा। और इसीलिए पैनल वाले जो यूजर होते हैं और जो अच्छे पैनल होते हैं उनकी आईडी बैन होना मुश्किल है। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब गरेना ऐसा पैच डालेगी जिसका काउंटर पैच पैनल वाले नहीं बना पाएंगे और उसके बाद जब सेकंड डे वहां पे यूज करेंगे कोई भी वो पैनल तो फटाफट से डिटेक्ट हो जाएगा और उनकी सारी लोगों की आईडी बैन हो जाएगी। ऐसा पैच गरेना कब डालेगी वो किसी को नहीं पता, सिर्फ एंटी हैकिंग जो टीम है गरेना की उनको ही पता है कि ऐसा पैच कब डाले और कैसे डालना है जिससे वो लोग डिटेक्ट ना कर पाए और सारी लोगों की आईडी दूसरे दिन बैन हो जाए। तो ये चीज कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, एक महीने बाद भी हो सकती है, गरेना की एंटी हैकिंग जो टीम है उनके हाथ में ये चीज करना है। क्योंकि ऐसा कोई हैक नहीं होता जो मतलब लाइफ टाइम से चल रहा है, 4 साल हो गए ये गेम को, ऐसा कोई हैक नहीं जो 4 साल पहले आया था और अभी भी चल रहा है। सारे हैक आज तक जो आए उनका पैच निकल चुका है और सारे हैक बैन होते हैं, तो पैनल भी कोई डिफरेंट नहीं है, वो भी बैन होगा एक ना एक दिन। बस पैनल इसलिए ज्यादा वायरल और इसीलिए ज्यादा मुश्किल है बैन करना क्योंकि उसमें डेटाबेस है, ठीक है, वो अपडेट होते रहता है कॉन्स्टेंटली, तो जैसे ही वो पैच डालते उसका एंटी पैच वो लोग डाल देते हैं, इसलिए उसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा हार्ड है। FF4HX या फिर ऐसे कोई जो दूसरे हैक आते हैं उसमें ऐसा डेटाबेस नहीं होता है। बट फिर भी गरेना के पास ज्यादा बड़ी टीम है हैक डिटेक्ट करने के लिए, तो मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि पैनल भी डिटेक्ट हो जाएगा और पैनल भी आखिरकार बैन होगा ही होगा। तो आई होप आपको पैनल के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा कि पैनल डिफरेंट कैसे है दूसरे हैक के मुकाबले। और भाई मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा आप लोग पैनल यूज करो, ठीक है, इसमें मैंने कुछ नहीं बताया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है पैनल कैसे यूज करते हैं, पैनल कहाँ मिलता है, कुछ भी नहीं दिया है। तो जो दूसरे यूट्यूबर है पैनल के ऊपर वीडियो बना रहे वो खास ध्यान रखना कि बनाओ तो अवेयर करने के लिए बनाओ, ऐसा मत दो यहाँ पे मिलता है, ये सर्वर पे मिलता है, यहाँ से जाके ले लो इतने का मिलता है। और भाई जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो बहुत ही गजब आने वाला है। चलो मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ किसके ऊपर वीडियो है। तो मैंने रिसेंटली रूवॉक के साथ बात की और मैंने पूछा कि भाई तुम ट्विक्स 2 पे इतनी मूवमेंट कैसे करते हो, ठीक है, आपको पता होगा रूवॉक ट्विक्स 2 पे खेलता है और उसकी मूवमेंट तो आप जानते ही हो। तो उसने मुझे कुछ टिप्स दिए जिससे मैंने अप्लाई की और मेरे को डेफिनेटली हेल्प हुई, तो आपको डेफिनेटली हेल्प होने वाली। तो जो भी लोग ट्विक्स 2 पे खेलना चाहते हो, ट्विक्स 10 पे खेलना चाहते हो इजीली, ठीक है, इजीली कंट्रोल करना चाहते हो, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो, वो वाला वीडियो आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आपको एक और सीक्रेट जानना है जिसका पीसी प्लेयर्स आजकल यूज कर रहे हो और बहुत ज्यादा गंदे हेडशॉट मार रहे हैं, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पर आपको दिख रही होगी, उसको जाके देखो तो आपको पता चलेगा कि सीएस रैंक में आजकल पीसी प्लेयर्स क्या यूज कर रहे हैं। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।